श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भड़लिया नवमी 8 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भड़ली नवमी का बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भड़ली नवमी पड़ती है। भड़ली नवमी के दिन भगवान को 9 बेलपत्र समर्पित होती है। इस दिन विष्णु भगवान ने 9 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करके भगवान शिव की आराधना पूजा करके अपनी सृष्टि का जो संचार का कार्य है वो भगवान शिव पर छोड़ दिया था और भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले गए थे। भगवान शिव पर 9 स्थान पर 9 बेलपत्र भगवान विष्णु ने चढ़ाई थी और अपना कार्यभार भगवान शिव पर सौंप दिया था। यदि आपकी भी कोई मनोकामना है, आपका कोई कार्यभार है जो बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा है, तो आप भी भड़ले नवमी के दिन 9 स्थान जो बताए गए हैं वहाँ पे आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। वो 9 स्थान हम जान लेते हैं ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो सके। पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान दिया गया होता है राइट साइड वहाँ पर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको कार्तिकेय के स्थान पर अर्पित करना है जो कि लेफ्ट साइड में होता है, और जो बीच में मोटी लाइन होती है वहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है। तीसरी बेलपत्र आपको वहाँ अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र आपको माता जगत चन्नी के हस्त कमल है जो गोल कटी भाग होता है वहाँ पर अर्पित करना है। पांचवी बेलपत्र जो ऊपर कमंडल लगा होता है, ऊपर जो जलाधारी लगी होती है जिससे बूंद बूंद पानी नीचे की ओर आता है वहाँ आपको समर्पित करना है। और छठी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और सातवीं बेलपत्र आपको बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर अपनी कामना करके शिवलिंग पर लगा देना है। आठवीं बेलपत्र आपको नंदी के ऊपर समर्पित करना है। और नवीं बेलपत्र आपको भगवान शिव की चौखट पर अर्पित कर देना है राइट साइड। इस तरीके से आपको 9 स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। भड़ली नवमी के दिन कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी शुभ कार्य है आप भड़ली नवमी के दिन तक कर सकते हैं और उसके बाद से सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।